दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर किसी भी परमाणु के बेसिक स्ट्रक्चर की कि परमाणु में शैल होती है, उसमें सब शैल होती है, सब शैल में ऑर्बिटल होते हैं और उन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कोई भी परमाणु है, तो कोई भी परमाणु है, ठीक है, मान लो कोई एक ये परमाणु है, कोई एक ये परमाणु है, तो परमाणु में क्या होती है? एक तो चीजें परमाणु में होती है, सेल होती है। ये बेसिक चीजें हैं, पता होने चाहिए। ये परमाणु है तो परमाणु में सेल होती है। ये परमाणु है, परमाणु में क्या होती है? सेल होती है। ये परमाणु है और ये परमाणु में सेल होती है। ठीक है, और ये सेल होती है, कौन सी होती है? के एल एम और एन। ये हो गई के, ये हो गई एल, ये हो गई एम और ये हो गई एन। और ठीक है, तो कोई भी परमाणु है उसमें सेल होती है और सेल में भी सब सेल होती है। सेल में सब सेल, ये के सेल है, के सेल में भी सब सेल होती है। के सेल है, के सेल में सब सेल होगी, एल सेल की सब सेल होगी, एम सेल की सब सेल होगी, एन सेल की सब सेल होगी। तो ये है सब सेल। सब सेल के क्या नाम होते हैं? एस पी डी एफ। ठीक है, तो ये के सेल हो गई, ये एल सेल हो गई, ये एम सेल हो गई, ये एन सेल हो गई। और इन सेल में, इन सेल में क्या होती है? सब सेल होती है। और उन सब सेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। उन सब सेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। इसे ये आप सब सेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, जैसे एस ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल हो गया, एस में कितना? एक ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल हो गया, पी में कितने? पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं। डी हो गया, डी में कितने? डी में कितने? एक दो तीन चार पांच ऑर्बिटल होते हैं। और एफ में कितना? एक दो तीन चार पांच छ सात, इसमें कितने? सात ऑर्बिटल होते हैं। तो कोई भी परमाणु होता है, परमाणु में सेल होती है, उसमें सब सेल होती है, उसमें ऑर्बिटल होते हैं, फिर ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ऑर्बिटलों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने? दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और टोटल टोटल एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो। और पी में कितने? पी में छह। और डी में? डी में दस। और एफ में 14। चौदह इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक चीज और, ये जैसे
इसको थोड़ा ऐसे भी समझेंगे कि कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं होते, मतलब उसको समझ सकते हैं परमाणु होता है, परमाणु में सेल होता है, सेल में सबसेल होती है, सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम किसी शहर में रहते हैं, हम किसी शहर में रहते हैं और शहर में घर है हमारा, मतलब किसी शहर में रहते हैं, शहर में कहां पर, मतलब अभी हम पूछे कि हम किसी शहर में हैं तो कहां पर है, तो हम उसका स्थिति बताएंगे, शहर है कोई, उसमें घर है, घर में कमरे हैं, मतलब घर में कोई कमरा है और उस कमरे में कुछ कुर्सी पड़ी है और उस कुर्सी पर क्या है, हम हैं, ठीक है। और ये सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम किसके माध्यम से जानते हैं, क्वांटम संख्या की सहायता से हम सेल, सबसेल और ऑर्बिटलों के बारे में हम समझ सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, सेल को। सीक्वेंसिंग क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, सबसेल को। मुख्य क्वांटम संख्या एन से प्रदर्शित करते हैं सेल को और फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या सबसेल को प्रदर्शित करती है और चुंबकीय क्वांटम संख्या ये किसको, ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है और चक्रण क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉनों को बताती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी, बाकी डिटेल में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।